तो बच्चों आइए कुछ और अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो मैंने एक प्रॉब्लम बोर्ड पे लिख रखा है, इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। एक सिंपल एलसी ऑसिलेशन का प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा वेरिएशन है। जो हम नॉर्मल एलसी ऑसिलेशन पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा छोटा सा चेंज कर दिया है। एक आइडियल इंडक्टर है, ठीक है, जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है। एक आइडियल ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया गया है, और इस सर्किट को टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज कर दिया जाता है, एंड देयर इज नो इनिशियल चार्ज। कैपेसिटर पे कोई इनिशियल चार्ज नहीं है। अब इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे मैंने एक जनरल क्वेश्चन इसमें लिख रखा है, फाइंड आउट चार्ज ऑन कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बाकी इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे क्या आएगा, या सर्किट में मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो होगी। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। मैक्सिमम चार्ज का क्वेश्चन बन सकता है, मैक्सिमम करंट का बन सकता है, और टाइम से रिलेटेड बन सकता है कि मतलब मैक्सिमम चार्ज फर्स्ट टाइम कब होगा कैपेसिटर पे, मैक्सिमम करंट सर्किट में फर्स्ट टाइम कब फ्लो होगी, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। तो ये एक एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, बट मैंने कहा कि थोड़ा सा चेंज किया गया है इसमें, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें एक जनरल टी टाइम की स्टेट बनाऊं, ठीक है, ये हमारे पास इंडक्टर है, कैपेसिटर है, और मान लेते हैं किसी टाइम टी पे क्यू चार्ज फ्लो हो चुका है तब तक, और टी टाइम इस इंस्टेंट पे आई करंट फ्लो हो रही है। तो अगर Q चार्ज फ्लो हो चुका है तो इस कैपेसिटर पे Q होगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव, अगर बैटरी से इस तरह से गया है, और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। और इस सर्किट के लिए अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाए तो इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस E यहाँ से आ रहा है, गेन हो रहा है पोटेंशियल का, करेंट की डायरेक्शन में हम लोग लिखेंगे, इंडक्टर को क्रॉस करेंगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, वंस अगेन ड्रॉप होगा, वी विल राइट माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। और बैटरी से हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो, जो मैंने करंट की डायरेक्शन बनाई है। तो यहाँ पे करंट को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, आई कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी। इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें बेटा, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आएगा, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस टाइम्स, ठीक है, ये एल डी आई बाई डी टी अगर इधर आएगा तो ये इसे ऐसे लिख सकते हैं, ई माइनस क्यू बाई सी, या माइनस अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आई को डी क्यू बाई डी टी लिख देते हैं, इट इज डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर माइनस वन बाई एल सी, और ये आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं क्यू माइनस सी ई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन की इक्वेशन नज़र आएगी, सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन की इक्वेशन नज़र आएगी, पर थोड़ा सा चेंज है। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, जहाँ पे एक्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन कभी कभी हम एक्स को अगर पोजीशन की तरह रिप्रेजेंट करें और मीन पोजीशन ओरिजिन पे ना हो और एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ये इक्वेशन में सिंपल चेंज आता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन। इस इक्वेशन में एक्स हमारा पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स वन जो है वो मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है इस केस में, दिस इज योर मीन पोजीशन, और जनरल एक्स जो होता है वो जनरल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल की, और मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होता है इस पर्टिकुलर केस में वो एक्स माइनस एक्स वन होता है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो बस
एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह आप सभी जानते हैं कि जो इक्वेशन आती है एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आती है। फाई इनिशियल फेस है, वो हम केस पे डिपेंड करता है कि फाई की वैल्यू क्या होगी। ये फॉर्मेट होता है इक्वेशन ऑफ SHM का, ही जस्ट मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह की, यहाँ पर चार्ज का वेरिएशन कुछ उस तरह से हो रहा है जैसे यहाँ पे पोजीशन का वेरिएशन हो रहा है, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू माइनस क्यू वन लिखा हुआ है, जैसे एक्स माइनस एक्स वन लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं ये एक एलसी ऑसिलेशन है, और अगर मैं चार्ज का जो वेरिएशन होगा, चार्ज का जो वेरिएशन होगा मैथमेटिकली, वो सिंपल हार्मोनिकली वेरिएशन होगा। लेकिन एक चेंज क्या है, जो मैंने कहा था, मैंने छोटा सा चेंज किया है कि इसकी जो मीन पोजीशन है वो Q इक्वल टू सी ई पे है, Q1 मान लेता हूँ, ये मीन पोजीशन है बेटा, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर 1 बाई एल सी है, तो ओमेगा की वैल्यू नो डाउट अंडर रूट 1 बाई एल सी आ जाएगी, ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमें जब भी हम इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखते हैं तो मीन पोजीशन चाहिए। तो जैसे अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँगा चार्ज का, तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन होगी, राइट एक्सट्रीम मान लेते हैं, और यहाँ पर एक लेफ्ट एक्सट्रीम होगी, दो एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं। और ये चीज़ हमें एम्पलीट्यूड चाहिए, चार्ज का एम्पलीट्यूड। तो चार्ज का एम्पलीट्यूड हम किस तरह से निकालेंगे, ये हमें थोड़ा सा देखना है यहाँ पे, क्योंकि अगर हमें एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं Q माइनस क्यू वन। जो इक्वेशन आएगी वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, Q माइनस क्यू वन जो कि मीन पोजीशन है, जो कि सी ई पे है, तो आप कह सकते हो सी ई इट इज़ क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा है 1 बाई अंडर रूट एल्स और फाई, फाई की वैल्यू अभी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सर्किट जब t इक्वल टू जीरो थी, जब t इक्वल टू जीरो थी तो सर्किट में करंट जीरो था। जैसे जब भी हम LC ऑसिलेशन को SHM से रिलेट करते हैं या स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि चार्ज का वेरिएशन कुछ उस तरह से हो रहा है जिस तरह से पोजीशन का वेरिएशन होता है। अगर मैं एक नॉर्मल SHM ले लूं और dQ by dt चार्ज का डिफरेंशिएशन करेंगे तो करंट आएगा, वहाँ पर अगर हम पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलती है। इसका मतलब है LC ऑसिलेशन में आप कह सकते हो कि करंट का वेरिएशन टाइम के साथ कुछ उस तरह से होता है जैसे वेलोसिटी का वेरिएशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। यहाँ पर चार्ज का सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो t इक्वल टू जीरो पे देखें तो करंट जीरो है, करंट जीरो है। अगर मैं इसे SHM से रिलेट करूँ तो करंट मतलब उसके करिस्पॉन्डिंग अगर मैं मोशन में जाऊं तो वेलोसिटी जीरो है, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे। और वेलोसिटी जीरो कहाँ होती है, तो अगर यहाँ पर इस मोशन में बात करूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। तो टी इक्वल टू जीरो पे आप ऐसा समझ लो, टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज जीरो था और यहाँ पे करंट भी जीरो थी। तो ये क्यू इक्वल टू जीरो, Q इक्वल टू जीरो एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ध्यान दीजिए, और Q इक्वल टू सी ई ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन यहाँ पे डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर जीरो होगा। आप कह सकते हो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मोशन में देखोगे तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन जीरो होता है मोशन में। तो ये मीन पोजीशन के कोऑर्डिनेट है, दिस इज योर मीन पोजीशन, और जहाँ करंट जीरो होता है एल सी ऑसिलेशन में चार्ज की वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो गैप होगा, यहाँ पे जो चार्ज फ्लो होगा, यहाँ पे चार्ज जीरो था कैपेसिटर में जब एक्सट्रीम पोजीशन पे चार्ज था, और मीन पोजीशन पे जब चार्ज पहुंचता है तो उसकी वैल्यू सी ई है। तो ये जो गैप होगा वो सी ई के बराबर होगा, जो एम्पलीट्यूड आएगा बेटा यहां पे वो सी ई के बराबर आएगा। तो एम्पलीट्यूड भी सी ई के बराबर आएगा। अच्छा, अगर हम ये भी बताना चाहेंगे राइट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगी, तो ये टू सी ई होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन जितना गैप यहाँ होगा चार्ज का, उतना ही चार्ज यहाँ पे और बढ़ेगा। मतलब जो चार्ज है वो सिंपल हार्मोनिकली वैरी करेगा जीरो से टू सी ई के बीच में, उसकी मीन पोजीशन सी ई पे होगी। ये टी इक्वल टू जीरो होगा, ये टी बाई फोर टाइम होगा, ये टी बाई टू होगा, फिर वापस आएगा चार्ज, इस तरह से ऑसिलेशन होगा चार्ज का, फिर टू सी ई से सी ई आएगा, थ्री टी बाई फोर, और फिर जीरो हो जाएगा चार्ज।
ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा जहां से हमने शुरुआत करी है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं इक्वेशन लिख देता हूं, क्यू इक्वल टू सी ई को उधर भेज दे रहा हूं और प्लस एम्पलीट्यूड भी सी ई आएगा साइन 1/√LCT और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से शुरुआत हुई है तो t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे फेस जो होगा वो 3π/2 होगा या -π/2 भी लिख सकते हैं, -π/2 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बच्चों यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे कितना है, मैक्सिमम चार्ज कितना है, तो बेटा मैक्सिमम चार्ज आप देख रहे हैं 2CE होगा जब चार्ज अपनी राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। मैक्सिमम करंट कितना है, तो सिंपल SHM का फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा होती है तो क्यू नॉट इंटू ओमेगा, तो क्यू नॉट की वैल्यू c है 1/√LC, ये मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम चार्ज अगर पूछा जाए पहली बार कितने टाइम के बाद होगा, तो आप देख सकते हैं एक्सट्रीम से मीन तक T/4 और मीन से एक्सट्रीम तक T/4, तो ये पहली बार अगर इसके लिए पूछा जाए फर्स्ट टाइम कब होगा बेटा, तो फर्स्ट टाइम उसके लिए टाइम आएगा T/2। टी क्या है, टी आप सब जानते हैं 2π/ओमेगा या 2π/ओमेगा, ओमेगा है 1/√LC तो इट इज 2π/√LC, इसका बाई 2 हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए करंट मैक्सिमम पहली बार कब होगी, तो करंट मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, जैसे SHM में वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, तो इस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम होगी तो T/4 पे पहली बार करंट मैक्सिमम होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है LC ऑसिलेशन का, लेकिन बस मैंने यहाँ पे मीन पोजीशन चेंज कर दी है। तो मीन पोजीशन चेंज करने से क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं और बच्चे उसको अब पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक हमारा अच्छा क्वेश्चन है, तो एक प्रॉब्लम हम और डिस्कस करेंगे। तो एक और LC ऑसिलेशन का एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है बच्चों, इसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। तीन कैपेसिटर हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं और इनिशियली इनको चार्ज कर रखा है हमने, इसको वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस पे चार्ज किया है, इसको 4V0 पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट, और ये 2V0 पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव प्लेट, और एक आइडियल इंडक्टर कनेक्ट कर दिया है। और इस सर्किट में t इक्वल टू जीरो पे हमने इस स्विच को क्लोज किया है, ठीक है, और ये इनिशियली चार्जेस आपको दिए जाएंगे, यहाँ से चार्जेस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा इंडक्टर के थ्रू। क्वेश्चन तो कई सारे बनाए जा सकते हैं इस पर, जैसे कि इस पर जो चार्ज सर्किट में चार्ज फ्लो होगा, सर्किट में जो चार्ज फ्लो होगा उसकी टाइम के साथ फंक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम चार्ज एक डायरेक्शन में कितना फ्लो होगा वो पूछ सकते हैं। किसी भी कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो किन दो वैल्यूज़ के बीच में वैरी करेगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो जब भी LC ऑसिलेशन का क्वेश्चन होता है तो कहीं ना कहीं हम उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट जरूर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि तीन तीन कैपेसिटर हैं, इसको करने के कई तरीके मतलब हो सकते हैं, लेकिन जो एक सबसे अच्छा तरीका आप कह सकते हो वो है, हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे बच्चों आप जब स्विच क्लोज करोगे तो चार्ज इसमें फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। मैं इसको सजेस्ट करता हूँ कि आप SHM से रिलेट करिए, मतलब इसमें जो सर्किट में चार्ज फ्लो होगा, मैं चूंकि मल्टीपल कैपेसिटर हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर के चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सर्किट में जैसे आप क्लोज करोगे तो चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ऐसे फ्लो होगा, एक मैक्सिमम तक जाएगा, ठीक है, फिर वापस ऐसे आएगा, इस तरह से ऐसे चार्ज ऑसिलेट करेगा। तो जो फ्लो करने वाला चार्ज है वो चार्ज आपका सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब है आप कह सकते हो कि
जब इनिशियली करंट जीरो है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो चार्ज फ्लो होने वाली जो भी होगा, बट इनिशियल वैल्यू जो करंट की है बेटा वो जीरो है। इसका मतलब है कि जो भी फ्लोइंग चार्ज है, जो भी फ्लोइंग चार्ज है वो करंट जीरो है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जीरो है, तो वो अपनी एक्सट्रीम पोजिशन पे है। मतलब सबसे पहले तो ये ध्यान से देखो कि टी इक्वल टू जीरो पे इस सर्किट की शुरुआत अगर इसमें करंट जीरो है तो एक्सट्रीम पोजिशन से हो रही है, ठीक है। अब चार्ज फ्लो होना शुरू होगा, एक इंस्टेंट आएगी जहां पे ये मीन पोजीशन पे जब चार्ज अपने पहुंचेगा, जब करंट मैक्सिमम फ्लो होगी, ठीक है ना, डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू यहां पे जीरो हो जा, करंट मैक्सिमम होती है, डी क्यू बाई डी टी मैक्सिमम होता है, और ये मीन पोजीशन है, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर जीरो होती है यहां पे, फिर ये अपने राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे चार्ज पहुंचेगा। मतलब चार्ज ऐसे फ्लो होता जाएगा, फ्लो होता जाएगा, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बट अभी चार्ज की वैल्यू जीरो है। ये फ्लोइंग चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, किसी कैपेसिटर पे जो चार्ज है बच्चों उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर ये मेन पोजीशन पे आएगा, कोई पर्टिकुलर चार्ज आएगा, ये जो गैप होगा चार्ज का या जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और अगर आपको एक बार एम्पलीट्यूड पता चल जाए, चार्ज जो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटिंग चार्ज, चार्ज का एम्पलीट्यूड क्या है, तो आप ए ओमेगा या क्यू नॉट ओमेगा लगा सकते हैं मैक्सिमम करंट निकालने के लिए। एक तरीका और होता है जिसमें आप एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, चूँकि एलसी ऑसिलेशन है, कोई रेजिस्टेंस नहीं मान के चल रहे हैं हम सर्किट में, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो एक वो भी तरीका है कि आप एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं किन्हीं भी दो स्टेट के बीच में। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि कैसे आप करेंगे। सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे किसी भी टाइम इंस्टेंट तक। अगर मैं सर्किट यहाँ पर बना लेता हूँ, देखिए चलिए ये मैं बना रहा हूँ, मान लिया हमने कि किसी टाइम इंस्टेंट टी पे क्यू चार्ज अगर फ्लो हुआ है, या अगर मैं ये उस इंस्टेंट की स्टेट मानूं कि जब वो चार्ज और फ्लो करते करते जब चार्ज अपनी मेन पोजीशन पे पहुंच गया होगा, यानी ये वो स्टेट मैं मान के चल रहा हूं जहां पे करंट मैक्सिमम है। करंट मैक्सिमम कहाँ होती है एलसी ऑसिलेशन में, जब मीन पोजीशन होती है, और मीन पोजीशन पे डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, या अगर आप एसएचएम से रिलेट करें तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, वो जीरो होता है। तो अगर मैं इसे क्यू नॉट मान लूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी फ्लोइंग चार्ज शुरुआत में कुछ नहीं फ्लो हुआ था, जीरो था, तब तक जब तक मीन पोजीशन नहीं आ गई, करंट मैक्सिमाइज हो चुकी है, तब तक मान लिया क्यू नॉट चार्ज फ्लो हो चुका है जीरो से क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट ही हमारा एम्पलीट्यूड होगा। पहले चार्ज की वैल्यू फ्लोइंग चार्ज जीरो पे था, फिर फ्लोइंग चार्ज की वैल्यू बढ़ के क्यू नॉट तक जा चुकी है, और उस वक्त करंट मैक्सिमाइज हो गया है, तो ये क्यू नॉट ही हमारा फ्लोइंग चार्ज जो ऑसिलेट कर रहा होगा चार्ज, उसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। अब अगर मैं इस चार्ज को सपोज ऐसे सर्कुलेट हुआ है चार्ज, तो अगर आप देखें तो इस पे चार्ज कितना था पहले से, इस प्लेट पे प्लस सी वी नॉट था, इस पे माइनस सी वी नॉट था, इस पे प्लस एट सी वी नॉट था, माइनस एट सी वी नॉट था, इस पे माइनस टू सी वी नॉट था, प्लस टू सी वी नॉट था, ये पॉजिटिव प्लेट है। तो जब ये क्यू नॉट चार्ज ऐसे पहुंचेगा, इस प्लेट पे जब पहुंचेगा आप देखिए, तो इस पे प्लस टू सी वी नॉट होगा, तो यहाँ पे टू सी वी नॉट प्लस क्यू नॉट, ये चार्ज मैंने मान लिया इस पे, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, इस तरह से चार्ज सर्कुलेट हो रहा है। मैं उस प्लेट पे नेट चार्ज लिख रहा हूँ जिस पे चार्ज पहुँच रहा है, जैसे इधर वाली लेफ्ट राइट वाली प्लेट पे कितना था, माइनस एट सी वी नॉट, सी इन टू वी कर सकते हो, माइनस एट सी वी नॉट, तो जब क्यू नॉट पहुँचेगा तो माइनस एट सी वी नॉट प्लस क्यू नॉट होगा। अब हमें बता तो है नहीं क्यू नॉट बड़ा है 8 सी वी नॉट से कि छोटा है, तो एक मेरी आदत है कि मैं जो चार्ज पहुंच रहा है जिस प्लेट पे, तो मैं क्यू नॉट को ही थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लेता हूं, अगर मैंने गलत माना है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव आ जाएगा। तो इस प्लेट पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू नॉट माइनस एट सी वी नॉट, माइनस एट सी वी नॉट पहले से था और क्यू नॉट पहुंच गया। अब मैं मान ले रहा हूं कि क्यू नॉट पॉजिटिव है, तो मेरा चार्ज पहुंचने के बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव, क्योंकि मैंने माना है क्यू नॉट, इसका जस्ट अपोजिट साइन चार्ज लेफ्ट वाली प्लेट पे होगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। सिमिलरली क्योंकि मैंने इसको बड़ा माना इससे, इसलिए मेरी नज़रों में ये पॉजिटिव हो गया। बाद में भले ही हमें पता चले कि नहीं क्यू नॉट तो छोटा था 8 सी वी नॉट से, तो अल्टीमेटली अगर छोटा रहेगा तो ये फिर से नेगेटिव लिख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, है ना। लेकिन ये आदत में डालिए कि इसको आप पॉजिटिव मानिए। यहाँ पे माइनस सी वी नॉट है, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव मान लेंगे, इस पे नेगेटिव, और इस प्लेट पे जो चार्ज है वो हमारा क्यू नॉट माइनस सी वी नॉट, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी।
अब अगर मैं इस मोमेंट ऑफ टाइम पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दूं, किरचॉफ केवीएल लगा दूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवीएल अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, और आप जानते हैं कि यहाँ पर डी आई बाई डी टी, ये डी आई बाई डी टी ही तो है कि जब करंट मैक्सिमम होता है तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू जीरो होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एलसी ऑसिलेशन में कह सकते हैं आप ये जीरो होगा, तो ये इसकी वैल्यू तो जीरो होगी। यहाँ से प्लस से माइनस आ रहे हैं, तो माइनस का क्यू नॉट प्लस टू सी वी नॉट डिवाइडेड बाई सी, माइनस का फिर यहाँ से आएगा क्यू नॉट माइनस एट सी वी नॉट डिवाइड बाई टू सी, माइनस का क्यू नॉट माइनस सी वी नॉट डिवाइड बाई इक्वल टू जीरो। ये मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया टिल दैट, उस स्टेट पे जिस स्टेट पे चार्ज अपनी मेन पोजीशन पे, और ये जीरो है बिकॉज ये मैंने उस मोमेंट ऑफ टाइम पे लगाया है जब करंट मैक्सिमम है, जब आई मैक्सिमम होता है तो सिंपल बात है डी आई बाई डी टी जीरो होता है बेटा। यहाँ से क्यू नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो बड़ी बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं सी से गायब कर देता हूँ और प्लस हो जाएंगे सारे, दो से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये टू क्यू नॉट प्लस फोर सी वी नॉट आएगा, और ये प्लस क्यू नॉट माइनस एट सी वी नॉट आएगा, और ये प्लस टू क्यू नॉट माइनस टू सी वी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो टू थ्री फाइव, टू थ्री और टू फाइव, फाइव क्यू नॉट, कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो ये टेन आएगा, फोर इज सिक्स सी वी नॉट आ रहा है, और क्यू नॉट की वैल्यू सिक्स सी वी नॉट डिवाइड बाई फाइव। ये एलसी ऑसिलेशन में जो फ्लो करने वाले चार्ज का एम्पलीट्यूड होगा, चार्ज यहाँ पे जीरो फ्लो था, यहाँ पे क्यू नॉट फ्लो हो जाएगा और यहाँ तक टू क्यू नॉट होगा, मतलब जो फ्लोइंग चार्ज है वो क्यू नॉट से टू क्यू नॉट के बीच में ऑसिलेट करेगा, ये एम्पलीट्यूड है। तो मैक्सिमम करेंट आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्यू नॉट इंटू ओमेगा, या फिर आप अगर मेथड टू लगाना चाहते हो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हो। ये उस वक्त जो चार्ज फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू आ गई, क्यू नॉट की वैल्यू पुट करके तुम सभी कैपेसिटर पे इंडिविजुअल चार्ज भी निकाल सकते हो। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लाना चाहें, इस स्टेट में करंट जीरो थी, इस स्टेट में इसमें कोई एनर्जी नहीं थी, तो जो एनर्जी थी वो हाफ सी वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ टू सी फोर वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी नॉट स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी है, और फाइनल एनर्जी जो होगी वो क्यू माइनस सी वी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी, इस कैपेसिटर की क्यू नॉट माइनस एट सी वी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू टू सी, और प्लस क्यू नॉट प्लस टू सी वी नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी, तो प्लस हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप क्यू नॉट की वैल्यू पुट करके मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप SHM को सही से समझ लें तो आपको ये एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाने से बच सकते हैं। एम्पलीट्यूड निकालने के बाद डायरेक्टली आप क्यू नॉट इंटू ओमेगा निकाल सकते हैं। रहा सवाल ओमेगा का, तो ओमेगा आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप देखिए ओमेगा जो होगा वो वन बाई अंडर रूट एल इंटू सी इक्विवेलेंट होगा, और सी इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में वन बाई सी